What's up, Sisto? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, we are only available on Spotify because What's Up, Sister is Spotify exclusive. So go listen to us on Spotify. Also, this is part 2 of the compilation and season 2 is coming up next week. So stay tuned. See you next week. प्लीज अगली बार से पूरा बता दो तू क्या अज्यूम कर रही है क्या हुआ होगा कि वो मस्त ट्रिप ले रही होगी अभी उस पे बहुत टिप्सी सी हो रही होगी एंड शी हैड अ ग्रेट नाइट और मम्मी बोल रही होगी मम्मी को बोल रही होगी मम्मी चीला ही तो खाया है देख लो जाके तो गीला पोहा बनाएगी आप भी खा के देखो हां मम्मा को खिलाऊंगी एक बार गीला पोहा गॉड डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई हमसे मतलब हमारे मम्मी पापा इन सब की जो जनरेशन है ना उनका वो एक माइंडसेट होता है कि अच्छा मेरी नई नई बहू आएगी तो मतलब पूरे अच्छे से रेडी हुई हो बट आजकल की जनरेशन ना दे लाइक टू गो फॉर सटल कलर्स एंड सटल फैब्रिक बिल्कुल जो चिकनकारी सूट्स वगैरह जो कि सस्ते भी होते हैं उनके इन लॉज के मतलब हमारी मम्मी पापा की चॉइसेस महंगी भी होती है और हमारी सस्ती भी होती है तब भी उनको लगता है नहीं भरा हुआ अच्छा होगा हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे आए हैं अब हेलीकॉप्टर आएगा तेरे लिए दीदी ने ना एयर में करा है तेरे लिए बिल्कुल कुछ अलग करा मैं तुझे बता रहा हूँ फिर उससे पहले तुझे बताया मुझे क्या बोला दीक्षा 1000 रुपए दे मैं तुझे भी सब बता दूंगा अंदर क्या मैंने कहा तो 2000 ले तू ब्लाइंड फोल्ड भी खोल दे डील हो रही थी वहां पर क्या मैंने कहा चल ले अभी दे दूंगी कहता पागल है क्या मैं नहीं दूंगा मैं तो मजाक कर रहा था मैं नहीं करूंगा सोच ले क्या चाहिए वो फिर हेलीकॉप्टर वाली बात थी मैंने कहा दीदी मेरे लिए कर सकती है बट मेरे फ्रेंड्स के लिए पक्का नहीं करेगी तो वेरी श्योर हेलीकॉप्टर नहीं हो रहा उसने फिर बैकग्राउंड वॉइस भी हेलीकॉप्टर की और साउंड चला दिया यूट्यूब पे कि हेलीकॉप्टर की आवाज आ गई हेलीपैड मैंने कहा तेरे स्पीकर्स बटे हुए हेलीकॉप्टर की आवाज बहुत गंदी है फिर हवा कर रहा है मेरे ऊपर हेलीकॉप्टर कृतिका का फेवरेट एक्चुअली वहां पर फूड होता था मोमोज कृतिका मोमोज खा के मोमो बन चुकी थी हम ना रोज लिटरली रोज एक भी दिन मिस नहीं करते थे सो मेट्रो स्टेशन से ना 5 या 10 मिनट्स दूर होगा हमारा कॉलेज को ये लगता था कि मैं वॉक कर रही थी तो हम वहाँ से ना बीच में से निकलते आते थे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बातें बातें करते हुए ये करते आते थे फिर हम ना एक ना हमारे वो थे वहाँ पर भैया थे उनका स्टॉल था वहाँ पर मोमोज का मेट्रो स्टेशन के बाहर हम रोज लिटरली रोज खाते थे और एक ही टेस्टी भी थे तो लेकर भी आई हुई है ना मेरे लिए बहुत यम होते थे एंड उनकी जो स्पेशली वो चटनी होती है ना जो रेड वाली वो गॉड और लिटरली आंखों में से ना आंसू निकल रहे होते थे बट फिर भी हमें होता था यार नहीं खाने हैं और उसके बाद हमें लगता था मिर्ची रख दे फिर हम जूस भी पी लेते थे So you remember that face when I cried in front of the podcast? मेरे को लग रहा है मैं उस face से go through podcast WhatsApp sister के through ही करी है. Through ही करी exactly. You've seen my faces. You remember that holy guy? Now he's getting married. You guys, not with me, with someone else. He's getting married. And imagine the date. Just imagine. The God. Take 5 seconds. 1, 2, 3, 4, and 5. 8 December. Diksha's birthday. 8 December ko uska sagar hua hai. Oh. 9 December ko he's getting married, but usne dates yehi rakhe. 7, 8, and 9. like God's plan, literally. Universe ka ishaara hai. Ye Diksha dekh le. Tu seek. Tu aur mature. aur strong. बट सोच वो जो वो पर्पल मार्टिनी पे जो हम लास्ट हम जब गोवा गए थे जब दीक्षा को अगर इफ यू नो इफ यू फॉलोइंग अस सिंस द स्टार्ट दीक्षा फाउंड अ रियली क्यूट गाय देयर गोवा में हमारा स्टार्ट ही था हुआ था ना पॉडकास्ट हाँ एक्चुअली और गाइस और सब लोग मेरे को पावर पार्टी नहीं मैं वही लड़का मिल जाए इस बार बच्चा क्लिक कराऊंगी ताकि नेक्स्ट टाइम मैं व्हाट्सएप सिस्टर पे अपलोड करवाऊं और सबको बोलूं फाइट दिस गाय फॉर मी कितना बड़ा कोइंसिडेंस होगा वही लड़का वही मिला गोवा में मुझे लग रहा है उसकी शक्ल भी भूल चुकी हूँ दिल्ली का स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा लगता है ठीक है वहाँ ना मसाला आई थिंक कम होता है थोड़ा सा मीठा होता है मम्मी का दिल्ली इज प्लस 10 आई थिंक दिल्ली का ये बहुत अपर हैंड है फूड में आई थिंक और अभी मुंबई से आशना वगैरह बैठे एंड उनकी सिस्टर्स भी आई थी आशना की सो आई थिंक वो भी ये एग्री करेंगे दैट एवरीबडी हु इज अ मुंबईकर वुड एग्री दिल्ली आगे कि दिल्ली का फूड इज टॉप नॉच वहाँ पर चाय आलू पराठा दही वही खा रही हूँ अभी मैं आराम सो गई वहाँ पर आंटी बोलती बेटा नहीं नहीं ये ले ले वो ले ले चेंज कर ले मैंने कोई ड्रेस डाली हुई थी तो मैंने कुछ चेंज कर लिया और फिर बेडशीट लेके आदित्य को रूम से बाहर निकाल दिया आंटी ने वो काम कर रहा था उसको लिविंग
एरिया में भेज दिया, मेरे को बोला बेटा सो जा लाइट वाइट बंद करके. फिर आराम से 3 घंटे बाद मैं उठी हूँ, मेरे पोहा रेडी था, मैंने पोहा खाया. मम्मा मुझे बोलती तेरे को शर्म नहीं आती वहां बैठ के खाना खाया जा रही है. मम्मा अब मैं क्या करूँ. फिर उसके बाद आए थे हम प्यारी, अभी मैंने कैनवे नाटी ना 2 दिन पहले वीडियो देखी है, आई थिंक संडे को लाइव करी, उसने 2 वीडियोज इकट्ठे. उसमें ना वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैंसिल कल्चर दोनों पे अलग अलग उसने बनाई है. तो उसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलता है अब तो वो बहुत ही ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है, वो तो बड़ा मस्त है मतलब. बाद में बोलता है उस पर ना वीडियो आती है, फिर कहता है दुनिया में कोई कहीं इसको पूछे ना पूछे बट सोशल मीडिया में इसको जरूर पूछे, ऐसे करके बोलता है ना. मैंने बहुत आगे कुछ आगे पीछे उसने बहुत जो अब्यूजिव वर्ड यूज करके बोला था तू ये तो वो तेरे को मतलब दैट मींस इफ देयर्स वन क्वेश्चन और तेरे को पता उसका अ सही ट्रू आंसर मिलेगा तुझे क्या क्वेश्चन पूछना है अपने एक्स से. मेरे को ये पूछना है कि अगर ट्रू आंसर मिलेगा तो कि मेरे अंदर ऐसा क्या था कि यू चीटेड ऑन मी काइंड ऑफ ऐसा. ओह यू आर अबाउट टू क्राई माय क्यूटी बेबी. तेरे अंदर कुछ नहीं था, उसके अंदर था यहां पर. Guys, ऐसा कुछ नहीं है, I'm in love वगैरह, बट बोलते बोलते ऐसे रोना आ गया. क्यूटी इसकी ना ऐसे ऐसे. Guys, ये क्वेश्चन मैं अपने दो एक्सेस से पूछना चाहूंगी कंटिन्यूअसली. तो वहां पर गोलगप्पा था, मैं गई खाने के लिए. मेरे को लगा मेरे पता नहीं माइंड में क्या आया गाइस, मुझे लगा मेरा गला खराब है, मैं कुछ खट्टा पीऊंगी ना तो मेरा गला ठीक हो जाएगा. मुझे लगा ऐसे मिर्ची जाएगी ऐसे थ्रोट पे और ऐसे करके कुछ मैजिक करेगी और वो सारे जर्म जो भी होंगे अंदर बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो ऐसे इधर उधर स्कैटर हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा. मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से परफेक्ट रहूँगी पूरी पार्टी में. मैंने मैंने दो लिटरली सिर्फ 2 गोलगप्पास खाए और मैंने पानी की कटोरी पी है, 3 कटोरी मैंने पानी पिया बैठ कर जान मूट कर. फिर पेट भी भर गया था, मैं पानी पी जा रही हूँ कि इससे मैं ठीक हो जाऊँगी, इससे मैं ठीक हो जाऊँगी. और मेरे आसपास कोई था भी नहीं जो बट तुझे ये रियलाइज ना जैसे हमेशा मम्मा बोलते कि नहीं खट्टा नहीं खाना है वो, तो उस टाइम नहीं याद आया ये सब. नहीं इफ आई पेड यू $100 वुड यू वेयर योर सेक्सीएस्ट क्लोथ्स इन पब्लिक. $100 इज वॉट 7,000. नो नो कितना दीक्षा कितना वांट, हाउ मच डू वांट. एक सेकेंड बट अगर लॉन्च रे अगर सेक्सीएस्ट क्लोथ में लॉन्च रे आएगा बस. नहीं यार मैं नहीं करूँगी, मैं नॉर्मल जितना भी दे दो मैं तब भी नहीं करूँगी. दैट्स नाइस, दिस इज व्हाट आई वांट. खाने की दुकान होती है ना जो बिल्कुल, और आई वाज आई थिंक 7-8 ईयर्स की थी मैं, और मम्मी को उन्होंने बता दिया था क्योंकि वो हमारी लेन में ही. मम्मा नकली पैसे. मम्मा ने फिर क्या करा कि वो बच्ची को सही करना आगे जाके क्रिमिनल ना बन जाए, और उन्होंने ना स्टोर रूम में जाके बहुत सारे पैसे रख दिए. और मैं इतनी बड़ी वो थी ना चोर माइंडसेट, नहीं होता बच्चों का ये भी उठा लो ये भी उठा लो, वैसे से था. मैं घुसी मतलब वो पैसे मेरे आँखें ऐसे बिल्कुल लाइट अप हो गई कि मैं इतनी सारी चॉकलेट्स खरीदूंगी जाके. मैंने सब उठाया, मम्मा पीछे से आई, वो पकड़ा हुआ था डंडा या पता नहीं क्या स्केल सा था जो उन्होंने मुझे मारा है. उसके बाद मैं गलती से भी नहीं, उसके बाद अच्छा मम्मी ने सेट कर दिया फॉर लाइफ. बड़ा देते बस वेरी स्वीट. उन्होंने पता क्या करो, उनको ना मेरी शक्ल देखकर लग गया था कि मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मैं नहीं खा पा रही. तो बाहर चले गए, मेरे सामने कुछ नहीं बोला. बाहर चाचा अपने पापा वगैरह सबको बोलकर आ गए, वो ना अनकंफर्टेबल फील कर रही है, अभी अंदर मत जाओ, उसको आराम से खा रहे. फिर आ जाते कि पापा आ गए, मैं भी खा लेता हूँ तेरे साथ, तू कंपनी दे देता हूँ, कंपनी दे देता, तू ऐसे टेंशन मत फील कर. वेरी आगे आगे वो होता है ना मार्क्ड होता है 3 feet 4 feet 5 feet ये वो ऐसे करके, तो वो 5 feet पे होंगे शायद. और ना पहले वो दीक्षा हाथ में थी, आई थिंक वो तुझे लाते लाते भूल गए पीछे. भूल गए उसका हाथ, दीक्षा का डैड, दीक्षा ने डैड का हाथ पकड़ा होता, डैड भूल गए. और थोड़ी देर बाद ना मम्मा ही वो बातें कर रहे हैं अंकल से, मेरे बुआ के हस्बैंड से, तो मम्मा कहती है दीक्षा कहाँ है, दीक्षा कहाँ है. और पीछे दीक्षा नहीं है, ये मेमोरी मुझे बिल्कुल याद नहीं है. पता है मुझे याद है क्योंकि पूरा मेरा ऐसे फेडेड मेमोरी है, क्योंकि मैं वहाँ थी उस सीन में. एंड मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि मम्मा ने दोबारा रिपीट पे बताया था सबको. ऐसे होता ना सबकी मम्मियाँ फोन पे लग जाती है, तो आपको पता है क्या हुआ था ये वो. तो दीक्षा कहाँ है, दीक्षा कहाँ है, सब पागल हो गए, परेशान हो गए, सब ढूंढ रहे हैं. अभी मम्मा ने कहा हाय राम, मेरी बेटी, मेरी बेटी. दीक्षा देखी दूर से, मम्मा ने उठाया और दीक्षा ना, दीक्षा कौन ब्रीथ, बिकॉज दीक्षा की ना पानी चला गया था बॉडी के अंदर, तो ऐसे 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 करके हो रही थी, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्लू हो गई थी. खाना 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 खाना. और ना सत्संग था, तो सत्संग में ऑब्वियसली आप वेज ही रखोगे, ठीक है, नॉन वेज नहीं होता. तो और पूरे ग्रुप में सिर्फ मैं वेजिटेरियन हूँ. तो ना हमेशा ये होता था जब हम सिंगापुर भी गए थे और फिर जब भी हम ट्रैवल करते थे ना, तो
सिर्फ मैं अकेली होती थी जो वेज खा रही होती थी, बाकी सब नॉन वेज खा रहे होते थे. सो कल तो एक फ्रेंड बोलता आज तो दीक्षा के लिए बूफे पार्टी है, आज सबसे अलग सिरो बनाएंगे करेंगे. एक सेकंड डिस्क्लेमर गाइस, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, बट ये जो सारी कॉन्वर्सेशन होती है ना, इसमें अगर लग रहा होगा सबको कि वो एक लड़की ऐसे बोलती है, ये प्लानिंग करती है, इसमें 90% इन्वॉल्व आदित्य होता है. इतने एक्साइटेड होते हैं ना, ऐसे नहीं होता बच्चे को कैंडी पकड़ा दो उनके आईज में लिटरली हार्ट होते हैं जब वो कृतिका के साथ अपने फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, विच इज रियली क्यूट. बट मुझे लगता है खाना लाइफ की इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कैसे आप बिल्कुल नमक मिर्ची कम करके आप खाओ तो फिर बिल्कुल ऐसे महाराजा स्टाइल खाना चाहिए. तो मैं पूरा ऐसे सब कुछ ठीक करके आती हूँ. तभी तुझे राजस्थान इतना पसंद है ना. एक्चुअली थाली हर एक और मैं मजाक नहीं कर रही, बताइए कैसे खाती है. अगर 4 vegetables है ना हमारे पास, ये लिटरली एक बाइट में 4 vegetables होंगी, साथ में चटनी, साथ में अनियन. तो आप सोच रहे हो विनेगर वाले अनियंस गाइस. और अगर आप सोच रहे हो मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकती, मैं एक बाइट ऐसे खाऊंगी एक सब्जी, फिर मैं दूसरी से, मतलब मेरे को ना टेंशन हो जाती है, इतनी सारी सब्जी होती है कि मैं कैसे खाना खाऊं मेरे दिमाग में. इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि बस सिंपल सा एक सब्जी और एक चावल या रोटी. फर्स्ट जो स्ट्रिप थी ना गाइस, उन्होंने लगाया पूरा, ठीक है, दे यूज्ड कौन सा वैक्स, नॉर्मल चॉकलेट बैग्स. एंड देन ओ माय गॉड गाइस, जब व्हेन शी वाज ट्राइंग टू रिमूव इट, गॉड इतना ज्यादा पेन हुआ था. एंड आई थिंक इट्स आल्सो बिकॉज ऑफ माय मिस्टेक कि रेजर शेव कर दो, या फिर If you don't shave it properly, और अगर आप regularly wax नहीं करा रहे होगे तो बहुत pain करता है, मैं झूठा भी नहीं बोलूंगी. And मेरा वो half experience बीच में ही रह गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, I don't wanna get it done, मैं अपना properly razor से कर लूंगी. So मैंने नहीं करा था. एंड आपको कभी प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि मुझे किसी को एंटरटेन करना है. अगर आप किसी के साथ लाइफ स्पेंड करने वाले हो तो एंटरटेन वाला तो फैक्टर ही चला जाता है, क्योंकि कोई नहीं होता इतना एंटरटेन. इतना टाइम 24/7 कोई कैसे एंटरटेन कर सकता है. मैं कर सकती हूँ. धुमता रहना. गूगल हाउ टू गेट अ बॉयफ्रेंड करा कभी तुझे? करा था, मैंने करा, सच्ची में करा है. गूगल